मुझे वॉमिट हो रही है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही यहाँ पे। कत्ल करने के बाद इसकी लाश को बोरी में बंद किया, प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया। जरा कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी दिखा दे। काफी दिन हो गए इस वकुए को, आज भी यहाँ पर इतनी स्मेल है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही। इसको आपने पाला बड़ा किया? नहीं, मैंने नहीं पाला। ये कहाँ रहता? दादी, ये खुशाब रहते, दादी ने और चाचू ने इसकी परवरिश की है। आपके पास क्यों नहीं रहे? ये बाप ने नहीं रहने दिए थे। लड़की सही मिलती थी, ये नफरत करता था। माँ तो वो कहता ही नहीं था ना। बेटी बुलाती थी वो मामा कहती थी, अब भी कहती है। ठीक है। हाँ, ये नहीं बुलाता था मुझे। ऊपर रोई डाल के नीचे सराना रखा, सराने के नीचे उसको डाला हुआ। ठीक है। उसको डाला, जब उसने वो सराना उठाया रहा तो नीचे से उसका पाँव नजर आया। माइक दे दे माँ को, इसी तरह कैमरे को जरा मूव कर दे। लेटी रहे आप, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लेटी रहे। जरा माइक लेटी लेटी पकड़ लें आप। जब बच्चा मिल नहीं रहा था तो आपको इस बात का शक था कि आपके सौतेले बेटे ने ये काम किया? हाँ जी, मुझे शक था कि ये उसी का काम है। उसी का काम है? आपने ये बात अपने शौहर को बताई थी? मैंने बताई थी। तो फिर नामालूम दरखास्त क्यों हुई? पता नहीं, ये उसी का साथ, मैंने आपको पहले भी कहा ये उसी का साथ देते थे, ये कहते थे नहीं वो करता। आपके शौहर आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपको पता है इस बात का? नहीं, मुझे तो शुरू से पता कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? मैं माजरत चाहती हूँ, मैं यहाँ पे झगड़ा करवाने नहीं आई हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स और हकीकत है मैं उससे पर्दा जरूर उठाऊंगी। आपने कहा मेरी बीवी झूठ बोल रही है, क्या ऐसी बात ही नहीं हुई? मियां कह रहे हैं ये झूठ बोल रही है। नहीं, ये सारी, अगर ये बच्चे को समझाते ना तो नौबत यहाँ तक पहुँचनी नहीं थी। जवाब दें जी। उनको भेजने था जब आपको आपके सौतेले बेटे ने मारा था, आपकी फेंटी लगाई थी माजरत के साथ। हाँ जी, हाँ जी। आपने इनको बताया? इनके सामने लगाई थी। इनके सामने लगाई। इन्होंने कोई एक्शन लिया? कोई नहीं। माइक पकड़ा दें जरा इनको। क्यों भाई? हमने तो यही समझा कि सही हो जाएगा। आज सही हो गया? सही, आप यही समझते रहे कि सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपने एक बेटे को कातिल बना दिया, दूसरे बेटे को जमीन में दफन करवा दिया, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। मुजफ्फर कॉलोनी में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। हसीब नामी बच्चा जिसकी उम्र कोई 13 से 14 साल है, मुझे वॉमिट हो रही है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही यहाँ पे। इस बच्चे को इसके भाई ने गला दबा कर कत्ल किया। कत्ल करने के बाद इसकी लाश को बोरी में बंद किया, बोरी में बंद करने के बाद एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया। जरा कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी दिखा दे। ये वो ड्रम है जिसके अंदर हसीब की लाश को बंद किया गया। काफी दिन हो गए इस वकुए को, आज भी यहाँ पर इतनी स्मेल है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही। उस माँ पर क्या बीतती होगी जो आके इस ड्रम को देखती होगी? फिर पुलिस ने क्या किया, माँ क्या कहती है, मैं वो सब आपको दिखाती हूँ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ हसीब अहमद के घर पर। ये मासूम छोटा बच्चा जिसकी उम्र 13 साल है, इस बच्चे का कसूर क्या था? इस बच्चे को इतनी बेदर्दी के साथ, इतने जुल्म के बाद, इतने तशद्दुद के बाद, ना इसकी मासूमियत पर रहम आया, ना इसके पीछे बाप और माँ पे रहम आया, ना उसकी मासूमियत के मैंने आखिर किया क्या है ये सवाल को करता रहा, जालिम को बिल्कुल तरस ना आया। हसीब की वालदा किस हालत में बैठी है आप देख सकते हैं। खाला, रिश्तेदार, बाप, सब लोग आए हुए हैं और ये सब लोग इस मुल्क के निजाम को नहीं रो रहे। निजाम का तो जो बेड़ा गर्क है वो मैं आपको आगे जाके दिखाती भी हूं और बताती भी हूं विद प्रूफ कि निजाम सिस्टम क्या कर रहे हैं। एक माँ की गोद से उसका बच्चा छीन लिया, उसको कत्ल कर दिया, मार दिया, और जब वो थाने जाती है तो थाने वाले क्या सलूक करते हैं? ये कैसा सिस्टम है, ये कहानी क्या है, ये हम इनसे जानते हैं। और फिर आगे किस किस की नेग्लिजेंसी ने मिलकर इन वालदैन को यहाँ तक पहुंचाया, ये भी आपको मैं बताऊंगी। वालदा से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा था। 2 बेटियां और 1 बेटा। इन तीनों बच्चों के नाम मुझे बताएं, उम्रें बताएं। बड़ी बेटी है अलीशा अहमद, 19 साल की है। 15 साल की समीन अहमद है। 13 साल का हसीब। 13 साल का हसीब आपकी पहली शादी? हाँ जी। अच्छा, आप कह रही हैं दूसरी, आपकी पहली शादी? इनकी दूसरी है। ठीक हो गया। अल्लाह ताला ने प्यारे प्यारे से 3 बच्चे दिए। हाँ जी। इनके साथ आपने शादी की, इनके पहले कितने बच्चे थे? दो दो बच्चे थे।
आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? 20 साल हो। 20 साल। 20 साल पहले ये कातिल जिसने आपके बेटे को कत्ल किया, इस लड़के की उम्र कितनी थी शादी के वक्त? जी 4 साल इतने से हो, छोटे छोटे थे। बहुत छोटा बच्चा था उस टाइम। हाँ जी। इसको आपने पाला बड़ा किया? नहीं, मैंने नहीं पाला। ये कहाँ रहता है? दादी, ये खुशाब रहते हैं, दादी ने और चाचू ने इसकी परवरिश की है। आपके पास क्यों नहीं रहे? ये बाप ने नहीं रहने दिए थे। बाप ने नहीं रहने दिए, कोई वजह? हाँ जी, ये कहते थे कि मेरा माँ बाप मर जाएगा उसी के पास रहेंगे क्योंकि वो संभाल रहे हैं। तो आपके साथ बच्चों का रिलेशन कैसा था? फोन पर या मिलना मिलाना, जब कभी ओकेजन पे मुलाकात होती है ना, ईद पर हो जाती है या और डेज में होती है, तो बच्चे कैसे मिलते थे? नफरत? बच्चे सही मिलते, लड़की सही मिलती थी, ये नफरत करता था। माँ तो वो कहता ही नहीं था ना। अच्छा, आज तक मैंने उसका कभी ये लफ्ज़ सुना ही नहीं था उसके मुंह से। क्या कहता था आपको? किस तरह? कुछ भी नहीं, पुकारता ही नहीं था वो मुझे। बेटी बुलाती थी, वो मामा कहती थी, अब भी कहती है। ठीक है। हाँ, ये नहीं बुलाता था मुझे, शुरू से ही नहीं बुलाता था ये मुझे। ठीक हो गया। अब ये बताइए कि ये यहाँ पर आया था, क्या मामला था? बस उधर से लड़ाई झगड़ा करके इधर आ गया। किससे लड़के आया है? किसी और से, उधर से भी लड़ाई झगड़ा करके आया, लोगों के साथ, गांव वालों के साथ। FIR उधर भी थी इसके खिलाफ, FIR उधर डर के इधर आ गया था। अच्छा, फिर डर के आ गया था। फिर बाप ने यहाँ पे अपने घर रख लिया। जी, मैं तुम्हें काम पे लगवा देता हूँ। काम पे लगा दिया, वहाँ पे काम करता था। यहाँ पे रख लिया? हाँ जी, अपने घर रख लिया, इसी घर में। इसी घर में। जब मुझे लग रहा है कोई तकरीबन 2 मरले का 1.5 मरले का। हाँ जी, इतना ही है। 2 मरले का? हाँ जी, इतना ही है। तो वो रहना शुरू कर दिया उसने। तो इसमें कितने कमरे हैं? यही है बस, एक ही कमरा। बस एक ही। तो वो कहाँ रहता था? इधर ही रहता था। और आप मियां बीवी? इधर ही सारे, इसी कमरे में। हाँ, सब इसी कमरे में। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर वो रहना शुरू कर दिया उसने। कितना अरसा रहा? तकरीबन साल रहा था उस टाइम, साल की रहा होगा। ठीक हो गया। फिर तो वो रहता था, लड़ाई झगड़े मारे करके खत्म नहीं होते थे। कभी मुझे मार, चम्मच मार, कभी कुर्सियां उठा के मार, कभी टांगे मार। बेटा माँ को मार? हाँ जी, मुझे मारता था। हार के मैं तंग आ गई, मैंने कहा मेरे से ये लड़ाई झगड़े रोज बर्दाश्त नहीं होते। किस बात पे कुर्सियां मार रहे? कोई भी नहीं, बात कोई भी नहीं होती थी, बस एवं तैश में आ जाना। बाप से कोई बात हुई है तो मेरी तरफ आ जाना, कोई भी बात हुई है तो मेरी तरफ आ जाना। तो फिर हार के फिर मैंने कहा, मैंने फिर अपने भाई को बुलवाया, मैंने कहा मेरा यहाँ पे गुजारा नहीं है, मैं ना यहाँ पे रहना चाहती हूँ, तो मुझे आप ले जाए। फिर मैं इनके अपने बच्चों को लिया, तो फिर मैं चले गई। कहाँ? अपने भाई के घर, लाहौर में। हाँ जी, लाहौर में। ठीक है। तो 3 माह मैं उधर रह के, इनको कहा कि मकान मेरे नाम कर दो, इन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं करना, मेरे 2 बच्चे हैं तो मैंने नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, नहीं करना, ना करो, मैंने नहीं आना। फिर इनके बार बार फोन जाने शुरू हो गए, आज जो घर वापस आए। मैंने कहा जब आप मेरी बात मान नहीं रहे लड़के को, मैंने कहा लड़का अगर इधर रहेगा, फिर मैंने कहा चलो वो ना करो, लड़का इधर रहेगा तो मैंने नहीं आना, नहीं वो भी इधर रहेगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने नहीं आना। फिर इस तरह करते, पता नहीं फिर इनके आपस में दोनों की हुई है, बाप बेटे की आपस में हुई है, उसने बाप को भी मारा है। अच्छा। तो फिर कहा फोन करके कि मैंने उसको घर से निकाल दिया, तुम वापस घर आ जाओ। एक साल भी निकला मेरा, 5-6 माह निकले होंगे। तो फिर बाप ने कहा मिनते की तू आ जा घर, आ जा कर आस्ता आस्ता तू घर आ, फिर ये सही हो जाएगी। मानती जाएंगे, इनका दिल नरम हो जाएगा, ये हो जाएगा, माँ दिल नरम हो जाएगा, तुम आते जाओ, माफी मांग लो। ये पहले आता रहा, मैं नहीं बुलाती रही। तो मैं शादी पे गई हुई थी, मेरे पीछे से इन्होंने घर रख लिया। तो फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अगर आज इसने ये हरकत की ना तो क्या, कह रहा अगर इसने कोई हरकत की तो आप मेरा गिरेबान आपके हाथ, अगर किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया ना आप लोगों को तो वो मैं पूरा करूंगा, अब ये करे मेरा नुकसान पूरा। अच्छा, फिर ये कत्ल जिस दिन किया है वो दिन क्या था, ईद का कौन सा दिन था, क्या कहानी है? ईद का 2रा दिन था, मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, वो हसी मेरे साथ गेम खेल रहा था, आपका बेटा। हाँ जी। मैं सो रही हूँ तो छत से आके ना नमाज पढ़ के तो सो जाते हैं, सो गई। मुझे नहीं पता उसको किस तरह बुलाया किस तरह नहीं बुलाया, वो उसे सीढ़ियाँ ले गए ऊपर चढ़ के ना, इधर की भी कुंडी बंद कर दी है, ऊपर जाके ऊपर वाले को भी। आप कहाँ थी? मैं यहाँ पे सो रही थी, इसी कमरे में, मेरे साथ वो लेटा हुआ था। ठीक है। ले गया, किस तरह लेके गया ये नहीं मुझे पता चला। ऊपर किराएदारों के घर चला गया ये? नहीं नहीं, छत पे चला गया। अच्छा ठीक है, छत पे चला, छत पे चला गया ना। भाई कह रहे मैं किसी से सुनती, मुझे घर वालों ने नहीं बताया, किसी से सुन रही क्या की उसकी भाई निकली हुई है, ये इन्होंने मुझे नहीं दिखाया, बोल थोड़े में डाल के रख दिया है कि मैं इसको बाहर फेंक दूंगा और नाम मेरा नहीं आएगा। लोग लाशें उठा रहे हैं तो वो यही कहेंगे कि ये लाशों के साथ चला जाएगा, तो उसको मौका ही नहीं मिला डालने का। फिर उसको जब मौका नहीं मिला, उसने वही तोड़ा उठाया, उस टप में डाल दिया उल्टा करके, सर नीचे टांगे ऊपर, और जब ये चीज नहीं ना जा रही अंदर तो पता नहीं उसने क्या कर करके ना इस तरह मार मार के उसने अंदर किया उसको, बच्चे को करके उसको बाहर के टक्कर दे के तो आ गया नीचे। किस चीज के ऊपर? ट्रंक था कोई? वो क्या नाम है, ड्रम है, प्लास्टिक का एक।
फिर कैसे पता चला कि इस ड्रम के अंदर है? ये बच्ची मेरी भांजी भतीजी थी, उसकी बच्ची छोटी रो रही थी। मैंने कहा इसको ऊपर ले जाओ, गर्मी है तो इस वजह से रो रही है। ये ऊपर गई ना तो इसको हल्की हल्की से ना स्मेल आई है, ठीक है, कह रही है ऊपर से ना सीढ़ियों में से ना स्मेल आ रही, इस तरह जिस तरह गोश्त का कोई लो थोड़ा सा पड़ा। हमने भी यही कहा कि कोई बिल्ली वगैरह ले आएगी गोश्त का लो थोड़ा, तो उसकी आई है। तो उसी लड़के को कह रही है, अली ये देख ऊपर से मंडी में जाके देखो ये किस चीज की स्मेल आ रही, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो कहता चलो आओ। देखा उसने कोई हाथ उठ ऐसे मार के देखे, नहीं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कहती इसको ममटी को खोलो और इसमें शायद इसमें से आ रही है। नहीं इसमें से कहाँ से आनी है, कि इसको खोल के एक दफा चेक तो कर लो। तो उसने खोली, हल्का सा रुई ऊपर डाली हुई थी उसके ऊपर, तो उसको रुई देखी है, नहीं इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वैसे कोई चूहा मरा होगा। कहती सारा कुछ निकाल। कहता मैं नहीं निकालता, मुझे स्मेल बड़ी चढ़ रही, मैं नहीं निकालता। तो वो निकाला, नहीं निकाला उसने, तो इधर साइड पे होगा नीचे आ गया। उसे अब पता चल रहा है कि अब ये मेरा भेद खुलने वाला है। तो वो ऊपर भाई खड़े थे, उसने कहा भाई आप खोलो। तो उसने किराएदार, हाँ जी, उसको कहा कि भाई आप खोलो। जब उसने खोला सराहना, ऊपर से उठाया ना, तब वो खून था लगा हुआ था उसको, ठीक है, ऊपर रुई डाल के नीचे सराहना रखा, सराहने के नीचे उसको डाला हुआ, ठीक है, उसको डाला। जब उसने वो सराहना उठाया ना, तो नीचे से उसका पाँव नजर आया, उसने वही पे चीखे मारने शुरू कर दी। तो इतनी देर में वो भाग गया, भाग गया, भाग गया, ठीक है। फिर बस यही है जो आगे होना था। वो मुझे तो आगे कुछ नहीं पता चला कि क्या उस लड़के के साथ उसने किया क्या नहीं किया।